देखिए आप तो मोदी जी भी रफ्तार नीट की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं भाई ये रफ्तार नीट की क्लास जरूर लगाएं। ये क्यों है ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी आती नहीं है। तो फिर असलियत में क्या हुआ? अगर कोई एलिमेंट अपनी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शुरू कर दे तो उस केस में भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कोई केस ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ और वहां आपको दिख गया कि लिमिट ब्रेक हो रही है, फिर क्या करोगे? एक ट्रिक बताता हूँ, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप 6 तरह की चीजें निकाल सकते हैं। 6 एप्लीकेशन है इसकी, तो आप इससे 6 तरह की चीजें जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सिचुएशंस थोड़ी गड़बड़ होने लगी हैं आजकल, कोरोना देवता अपने हाथ पर फिर से फैलाने लगे हैं। तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए बच्चों, सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मित्रों, आपके लिए वैक्सीन भी अब आ गई है, तो वैक्सीन भी लगवा लीजिए। और साथ में यह जो रफ्तार नीट की वैक्सीन मिल रही है 11th क्लास की बीमारी के लिए, उसकी डोज भी डेली के डेली लेते रहिए। देखिए अब तो मोदी जी भी रफ्तार नीट की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं भाई ये रफ्तार नीट की क्लास जरूर लगाएं। 11th क्लास के बचे हुए सिलेबस के लिए रफ्तार नीट बैच में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है उसका, ठीक है बच्चों। आज मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कल मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, मैंने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और आपको यह बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है क्या होती है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी की सारी बातें अपनी हो गई थी लास्ट लेक्चर में। हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, है ना, हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो वहीं से कहानी करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बच्चों वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। और उसमें हम लोगों ने कौन सा एवरेज ले लिया था? इंटीजर एवरेज ले लिया था। तो आइए कुछ केस आपको कराता हूं फ्रैक्शनल एवरेज के। फ्रैक्शनल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, फ्रैक्शनल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। पहला केस है इसके अंदर, जैसे आता है बेटा Fe3O4। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +8/3 निकल के आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालोगे एवरेज, वो निकल के आएगा बेटा +8/3। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से निकला है ना। स्टेट कैसे निकालोगे? Fe3O4 को तोड़ोगे तो टूटेगा Fe2O3 +FeO में, फेरिक ऑक्साइड +फेरस ऑक्साइड। इसमें ये दो वाले जो होते हैं +3 में होते हैं, ये वाला +2 में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अगर कोई पूछ लेगा तो तुम बोलोगे +2 और +3, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन तो तुम इनका एवरेज निकाल के बता दिया तुमने फॉर्मूले से जो निकाला है +8/3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, Br3O8। अगर आप ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो x बराबर आती है निकल के +16/3, बट ऑब्वियस है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये ऑक्सीडेशन क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों है ऑक्सीडेशन नंबर? ये क्यों है ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी आती नहीं है। तो फिर असलियत में क्या हुआ? असलियत में पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है Br3O8 का, ये लीजिए, इस वाले ब्रोमीन पे देखिए, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है,
प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस सिक्स आ गया इधर से, और इस वाले बॉन्ड से आया जीरो, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड है, ऐसे इधर आ गया प्लस सिक्स, इधर पर इधर से जीरो, इधर से जीरो, ऊपर से प्लस टू, नीचे से प्लस टू, केवल प्लस फोर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कितनी आएगी, वो आएगी प्लस सिक्स और प्लस फोर, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन कितना आएगा, प्लस सिक्सटीन बाई थ्री, प्लस सिक्सटीन बाई थ्री। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड सी थ्री ओ टू, कार्बन सब ऑक्साइड सी थ्री ओ टू, सी थ्री ओ टू में निकालोगे तो थ्री एक्स प्लस फोर बाई थ्री, फिर फ्रैक्शन में आया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। स्ट्रक्चर बनाओगे सी थ्री ओ टू ऐसा बनेगा, इधर कोने वाले कार्बन को इधर से जीरो मिलेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इधर से कितना मिलेगा प्लस टू, इधर से कोने वाले को मिलेगा प्लस टू, ये बीच वाला होगा जीरो में, तो सी थ्री ओ टू के अंदर देखोगे तो बीच वाला जो कार्बन है वो जीरो में होगा, और किनारे वाले जो होंगे प्लस टू में होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू एंड जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज प्लस फोर बाई थ्री, ठीक है ना, प्लस फोर बाई थ्री, ठीक है ना बच्चों, ऐसे एवरेज वाला केस बन गया। तीसरा आता है व्हेन एनी एलिमेंट, तब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी, शोज ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन इट्स रेंज, अगर कोई एलिमेंट अपनी रेंज यानी कि अपनी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शुरू कर दे, अगर कोई एलिमेंट अपनी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शुरू कर दे तो उस केस में भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस केस में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इन जनरल आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस एट। दो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, ऑस्मियम और रुथेनियम, ऑस्मियम और रुथेनियम, नाम लिख देता हूं सिंबल की जगह, ऑस्मियम और रुथेनियम, ठीक है, ऑस्मियम और रुथेनियम, प्लस एट, ऑस्मियम और रुथेनियम, क्लियर है, इनकी होती है। तो एक तो मैक्सिमम हो गई प्लस एट, और बाकी मैंने तुम्हें पी ब्लॉक वालों की रेंज बताई रखी है, पी ब्लॉक वालों की रेंज बताई रखी है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा पेन चेंज करेंगे, नोट्स को बनाएंगे रंगीन, है ना, H2SO5 परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका कॉमन नेम होता है कैरोज एसिड, इसका कॉमन नेम होता है कैरोज एसिड। इसमें यदि आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो 2 × +1 × 5 × −2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर प्लस एट। और सल्फर की औकात मैंने आपको कल बताई थी कि प्लस सिक्स तक होती है, केवल सल्फर की औकात प्लस सिक्स तक होती है, सल्फर कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन प्लस सिक्स, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, वो गड़बड़ क्या है दया, वही तो देखनी है। ये है H2SO5 का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है एक ओ सिंगल बॉन्ड, ओ क्या दिख रहा है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इसमें आपको दिख रहा है बच्चों ओ सिंगल बॉन्ड ओ, है ना, ओ सिंगल बॉन्ड ओ में क्या चक्कर है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ को बोलते हैं बेटा परोक्सी लिंकेज, इसे बोलते हैं परोक्सी लिंकेज, और जो ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज में होती है ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 -1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी ऑक्सीजनों का होगा -2 -2 -2, तो ये सल्फर देख लो, इधर से +1 इधर से +2,
सॉरी निकालो इस वाले सल्फर पे, हाइड्रोजन पर प्लस वन, पांच ऑक्सीजन में से तीन तो माइनस दो वाली हैं, दो माइनस एक वाली हैं, प्लस सल्फर इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर प्लस सिक्स आ गया, एक्स बराबर प्लस सिक्स आ गया। तो H2SO5 या कैरोज एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आई? प्लस सिक्स। ऑक्सीजन को सेट किया हमने, ये तीन माइनस दो वाली हैं और ये दोनों माइनस एक वाली हैं, ठीक है ना, ये दोनों माइनस एक वाली हैं। ऐसे ही H2S2O8, इसका नाम होता है मार्शल्स एसिड, इसका नाम होता है मार्शल्स एसिड, क्या नाम होता है इसका? मार्शल्स एसिड। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे हाइड्रोजन की, प्लस वन, टू एक्स, एट इंटू माइनस टू बराबर जीरो, टू एक्स बराबर आएगा प्लस 14, ये भी सल्फर की औकात से बाहर है क्योंकि सल्फर जो होता है वो मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है? माइनस टू से प्लस सिक्स तक दिखा सकता है, माइनस टू से प्लस सिक्स तक दिखा सकता है, कौन? सल्फर, ठीक है, माइनस टू से प्लस सिक्स तक दिखा सकता है सल्फर। इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, SOOS OH OH, ठीक है ना। जिन लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते हैं, ये आप लोग 12th क्लास में सीखेंगे, इनफैक्ट अभी सीखेंगे, 12th में नहीं अभी सीखेंगे, पी ब्लॉक में आपको एमडी सर भी सिखाएंगे स्ट्रक्चर्स बनाना, केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ कुछ सिखाया होगा, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनते हैं। अब यहां पर फिर वही लफड़ा है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन है बीच वाली, ये परोक्सी लिंकेज वाली है, ये हमें स्ट्रक्चर बनाने पता लगा कि परोक्सी लिंकेज है। अब निकालो दो हाइड्रोजन प्लस वन वाले, छह ऑक्सीजन है माइनस टू वाली, दो ऑक्सीजन है माइनस वन वाली और दो सल्फर जीरो। अब निकल आएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, तो इसका मतलब ये भी प्लस सिक्स में है और ये भी प्लस सिक्स में है, दोनों सल्फर प्लस सिक्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस सीरीज, CrO5, क्रोमिक परोक्साइड, क्रोमिक परोक्साइड, इसमें निकालोगे क्रोमियम की प्लस 10 निकल के आएगी, मतलब क्रोमियम ने तो हद ही कर दी, पूरी पीरियोडिक टेबल की लिमिट पार कर गया है, अपनी औकात नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल की लिमिट पार कर गया। इसके लिए मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में देखो, ये वो सिंगल बॉन्ड हो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इस क्रोमियम पर चार्ज आएगा देख लो प्लस सिक्स, ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मान लो जरूरी तो नहीं है यार, है ना, मैंने तो आपको केसेस पढ़ा दिए, मैंने तो आपको केसेस पढ़ा दिए, है ना, मैंने तो आपको केसेस पढ़ा दिए, फ्रैक्शनल एवरेज में एक केस और पढ़ाना था आपको, फ्रैक्शन एवरेज में एक केस और बताना था, Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट बोलते हैं इसे, सोडियम टेट्राथायोनेट, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो देखो 2 इंटू सोडियम की प्लस 1, 4x 0, 4x बराबर प्लस 10, x इज इक्वल टू प्लस 2.5, ये निकल आई, तो फ्रैक्शनल एवरेज है, एवरेज है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है, स्टेट तो नहीं है। तो आओ इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, NaOS, SSSONA, ये लो। अब इसमें ये दोनों सल्फर जो बीच वाले हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो,
ये दोनों सल्फर जो बीच वाले हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, क्योंकि इनके दोनों तरफ सल्फर ही सल्फर है। इस वाले सल्फर पर देखो कितना चार्ज आएगा, इस वाले बॉन्ड से प्लस टू, मोर लेस 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 से मोर जा रहे हैं, इधर से प्लस वन और इधर से भी प्लस टू, कितना आ गया प्लस फाइव। ऐसे इस वाले सल्फर पर निकालोगे बाई सिमेट्री तो इस पर भी आएगा प्लस फाइव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी सल्फर की, प्लस फाइव और जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा फाइव प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस फाइव, चार सल्फर है प्लस 2.5, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये केसेस हो गए हमारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था ये लिमिट ब्रेक करने वाले, है ना। अब लिमिट ब्रेक करने में मैंने आपको मार्शल एसिड पढ़ा दिया, कैरो एसिड पढ़ा दिया, CRO5 पढ़ा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कोई केस ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ और वहां आपको दिख गया कि लिमिट ब्रेक हो रही है, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक क्या होती है, व्हेन इन एनी कंपाउंड सेंट्रल एटम इज शोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन इट्स रेंज, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपनी लिमिट से बाहर निकल रहा है, अपनी औकात को ब्रेक कर रहा है, तो औकात को ब्रेक करने वाले केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, भले ही तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आए या नहीं आए, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2S2O8 तुम्हें स्ट्रक्चर बना तो भी तुमने प्लस सिक्स निकाली, विदाउट स्ट्रक्चर तुम लिख दोगे ट्रिक से तो भी प्लस सिक्स होगी। क्रोमियम की मैक्सिमम औकात प्लस सिक्स होती है, सीख जाओगे नीट देते देते। ऐसी सल्फर की मैक्सिमम औकात प्लस सिक्स होती है, तो ये प्लस सिक्स आ गई। इसका मतलब एलिमेंट अपनी मैक्सिमम औकात दिखा सकता है, बस अपनी मैक्सिमम औकात से ऊपर एलिमेंट नहीं निकल सकता। वट एवर इज इट्स औकात, एलिमेंट उससे ऊपर नहीं निकल सकता, तो उस केस में हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। तो अगर तुम्हें लगे किसी कंपाउंड में एलिमेंट अपनी औकात को क्रॉस कर रहा है, अगर तुम्हें लगे किसी केस में कोई एलिमेंट अपनी औकात को क्रॉस कर रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, और वो वाला आंसर टिक मार के चले आना विदाउट मेकिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो ये तो कहानी हुई हमारी ऑक्सीडेशन नंबर की, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स की सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर करता क्या है, करता क्या है, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या कर सकता है, करता क्या नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप छह तरह की चीजें निकाल सकते हैं, छह एप्लीकेशंस है इसकी, तो आप इससे छह तरह की चीजें जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, छह तरह की चीजें आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पहला, टू फाइंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन, टू फाइंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट निकालना, किसी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दू, Fe+2 MnO4-
Fe+3 प्लस Mn+2, ये रिएक्शन लिख के दूं। अब इस रिएक्शन में देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है, यहां पर मैग्नीज की +7 है, कल निकाली थी हम लोगों ने, यहां पर इसकी +3 है और यहां पर इसकी +2 है। आप देखोगे आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मैग्नीज का हो रहा है रिडक्शन, मतलब मैग्नीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आयरन ने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े, क्योंकि मैग्नीज ने मांगे। आयरन ने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े, क्योंकि मैग्नीज ने मांगे। अगर मैंगनीज मांगता नहीं तो आयरन इलेक्ट्रॉन निकाल के देता भी नहीं। तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन हुआ, जिस जो कि इस केस में कौन है, जो कि इस केस में कौन है, ऑक्सीडेंट है, जो कि इस केस में कौन है, मैंगनीज है। मैंगनीज ने आयरन को मजबूर किया कि वो इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि अगर मैंगनीज लेता नहीं तो आयरन देता नहीं। मैंगनीज बोला मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन, तब आयरन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसकी जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। और हमें कैसे पता लगेगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। अब आप ये बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अब एक ही बात है, अब आपको फॉर्मूले फॉर्मूला खेलना है, अब आपको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, जिसका घट रहा है वो ऑक्सीडेंट है, जिसका घट रहा है वो क्या है, ऑक्सीडेंट है। ऐसे ही क्योंकि आयरन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि आयरन ने इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। आयरन निकालता नहीं तो मैंगनीज लेता नहीं। इसका मतलब मैंगनीज का रिडक्शन किसने कराया, आयरन ने, क्योंकि आयरन को खुद अपना इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑक्सीडाइज होता है, जो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और वहां से आप निकाल लेंगे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा ऑक्सीडेंट कौन होगा इसके अंदर, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, MnO4- का घट रहा है। मैं पूछूंगा आपसे इसमें रिडक्टेंट कौन होगा, ठीक है, तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट इस प्रकार से पहचान सकते हैं। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप इस प्रकार से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंपाउंड जो होगा वो किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा या रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहीं से हमारी दूसरी एप्लीकेशन निकलती है, टू प्रोडक्ट, यहीं से हमारी दूसरी एप्लीकेशन निकली, टू प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब यह पता लगाना कि किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड कैसा बिहेवियर करेगा, यह पता लगाना, ये पता लगाना कि किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का मेंबर है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की औकात की रेंज कहां से कहां तक है,
माइनस थ्री, टू प्लस फाइव, माइनस थ्री टू प्लस फाइव, ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो अब देखो एनएच थ्री इधर लिखते हैं, एनएच थ्री एन टू, एन टू ओ एनओ, एनओ टू एन टू ओ थ्री, एन टू ओ फाइव। ये नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, प्लस थ्री हाइड्रोजन के साथ लगाए ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, माइनस थ्री नाइट्रोजन की N2 में जीरो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, कल निकलवाए हुए हैं सारे रूल बताए हैं उससे निकाल सकते हो, प्लस फाइव। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में ये कंपाउंड्स कैसे कैसे बिहेव करेंगे। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस थ्री से प्लस फाइव तक जा रही है, हमें ये पता लग गया कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस थ्री से प्लस फाइव तक जा रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री है वो केवल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ही सकता है, कम तो नहीं कर सकता। जो पहले से माइनस थ्री में बैठ सकता है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है वो केवल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ही तो सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो केवल बढ़ा सकता है ना। तो बढ़ा सकता है इसका मतलब क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना मतलब ऑक्सीडाइज होना, और ऑक्सीडाइज होना इसका मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, तो वो केवल रिडक्टेंट बनेगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है वो बनेगा रिडक्टेंट। अब दूसरी तरफ देखो N2O5 को, जिसमें सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन, कल बताया था ना मैंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी तीसरा एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम है, जो पहले से अपनी मैक्सिमम पर बैठा है, ये केवल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को गिरा सकता है, ये केवल इधर जा सकता है, भाई जिसकी माइनस थ्री है वो इधर जा सकता है, जिसकी प्लस फाइव है वो इधर जा सकता है ना, है ना। ठीक है, इसका मतलब इसका केवल रिडक्शन हो सकता है। तो ये बन गया ऑक्सीडेंट ओनली। अब जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में है, मतलब ये वाले, ये इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ये चाहे तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं, तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, एक साथ नहीं, एक रिएक्शन में एक ही बनेंगे, लेकिन हां ये बन दोनों सकते हैं, ये ऑक्सीडेंट भी बन सकते हैं, रिडक्टेंट भी बन सकते हैं। तो आप केवल ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू देखकर यह चेक कर लेंगे, जस्ट बाय द लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप ये बता देंगे कि कोई कंपाउंड क्या क्या बिहेवियर दिखा सकता है, ठीक है, क्या क्या बिहेवियर दिखा सकता है। थर्ड है टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की एजेंट को, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो। रिड्यूस होने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, और इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके सेंट्रल एटम पर, जिसके सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसके सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव ओ एन ऑफ सेंट्रल एटम, पॉजिटिव ओ एन ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का होगा उतना ही बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कोई भी कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3 तीनों बहुत ही तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तीनों के अंदर रिड्यूस होने की जबरदस्त टेंडेंसी होती है क्योंकि तीनों के ऊपर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इन तीनों में भी बेस्ट कौन है, इन तीनों में भी बेस्ट कौन है, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 में बेस्ट कौन है, बेस्ट है ये, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर उतनी ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता चला जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करे, और सामने वाले को जो रिड्यूस करेगा, सामने वाले को जो रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलेगा, अपने से दूर ढकेलेगा। तो दूर कौन ज्यादा अच्छा ढकेलेगा, जिस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा बढ़िया रिपल्शन देगा, और जहां रिपल्शन लगेगा ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन आराम से निकल के भाग लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल HI H2S NH3 I पर यहां -1 है, सल्फर पर -2 है, नाइट्रोजन पर -3 है, अमोनिया नाइट्रोजन -3, मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस पर 3 यूनिट का नेगेटिव। यहां मैथ मत लगाने बैठ जाना कि -1 -3 से बड़ा है, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज अमोनिया के ऊपर ही है, तो मैक्सिमम इसके ऊपर है, इसका मतलब ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है ना। ये क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा आउट ऑफ दीज एग्जांपल्स, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया होगा, क्लियर। चौथा, टू कंपेयर
स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना। देखो कोई भी एसिड तब ज्यादा स्ट्रांग होता है जब वो इजीली हाइड्रोजन को निकाल सके, कोई भी एसिड तब ज्यादा स्ट्रांग होता है जब वो इजीली हाइड्रोजन को निकाल सके, इजीली H+ को निकाल सके, प्रोटॉन को। अब अगर ये H+ दे रहा है इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, A के पास जा रहे हैं। अगर एसिड टूट के क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, तो इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन A के पास जा रहे हैं। तो A के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का जाना उतना ही आसान होगा, और जितना ज्यादा आसान होगा उतना इजीली आप एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो पहली बात तो ये ऑक्सी एसिड क्या बला होती है, ऑक्सी एसिड क्या बला होती है, पहली बात तो यही आ गई कि पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज ऑक्सी एसिड। जिस एसिड में एलिमेंट और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी होती है उन्हें हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव अ ह्यूज टेंडेंसी टू मेक ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो अभी जो मैंने ट्रेंड समझाया उस ट्रेंड के आधार पर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, और इत्तेफाक से जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रल एटम पर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, तभी वो H+ निकाल पाते हैं, तभी वो H+ निकाल पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन दो बनाता है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड प्लस थ्री प्लस फाइव, ये वाला ज्यादा बढ़िया एसिड होगा। ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर छोटा नहीं है भाई, सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला है ना, क्लोरीन के चार होते हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, क्लोरीन प्लस वन में प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, ठीक है ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ती चली जा रही है ये होता चला जा रहा है। इस ट्रेंड का केवल एक एक्सेप्शन होता है जिस पर ये ट्रेंड काम नहीं करता, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 प्लस सेवन फॉस्फोरस प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस वन, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ती है। H3PO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर, है ना। क्यों होता है ऐसा, इसका जवाब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में मिलेगा, बाकी मैं आयनिक में बताऊंगा, फिलहाल बस याद रखना ये इसका एक्सेप्शन है, इसके ऊपर ये काम नहीं करता ट्रेंड, बाकी सब जगह काम करता है, करता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाओ, नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाओ बच्चों, वो क्या है भाई नेक्स्ट एप्लीकेशन,
ये है एप्लीकेशन नंबर 5 टू प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल भी इस पर बन जाता है कई बार, जहां आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो प्रेडिक्ट करवाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने का क्या मतलब होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के पीछे क्या बेसिक होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स बराबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स बराबर चार्ज ऑन कंपाउंड। इस लाइन के ऊपर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिस इज द बेसिक लाइन, दिस इज द बेस लाइन जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर प्लस टू प्लस फाइव एंड माइनस टू रिस्पेक्टिवली, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ऑफ द कंपाउंड इज ए एक्स थ्री वाई जेड फोर फोर एक्स थ्री वाई जेड फोर थ्री एक्स थ्री वाई जेड फोर और डी एक्स थ्री वाई जेड फोर टू। ठीक है, एम्स 1989 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स 1989 में आया था। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे केवल यह कंसेप्ट है कि ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कैसे सॉल्व होगा, सम ऑफ ओ एन ऑफ ऑल एलिमेंट्स बराबर होगा जीरो, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास इसे करने का। आई हैव नो अदर एनीथिंग इसको सॉल्व करने के लिए, यही है। इससे मैं क्या करूंगा, इस लाइन से हिट एंड ट्रायल उठाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं एक्स थ्री वाई जेड फोर होल ट्वाइस पर, एक्स की प्लस टू है तो प्लस टू इंटू थ्री टू टाइम्स, वाई की प्लस फाइव है और जेड की माइनस टू है, कितना आ गया ये प्लस सिक्स प्लस टू टाइम्स फाइव माइनस एट प्लस सिक्स, देखो जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यही इस कंपाउंड का सही फॉर्मूला। आपको केवल ये चेक करना है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो जीरो आ रहा है तो जो आपके पास आ रहा है वही आंसर है, और अगर तो वो जीरो नहीं आ रहा है तो फिर वो आंसर नहीं है, फिर कोई और आंसर है। तो आपको फिर किसी दूसरे ऑप्शन को उठा के हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन इस पर बनता है। देखता हूं शायद मेरे पास इसमें पिटारे में एक क्वेश्चन और हो। क्या मेरे पिटारे में एक क्वेश्चन और है, खुलेगा रिडॉक्स रिएक्शन का पिटारा। देखें पिटारे में कुछ निकल भी रहा है कि पिटारा खाली पड़ा है।
हाँ है। एलिमेंट्स ए बी एंड सी मेक अ कंपाउंड इन विच ए बी एंड सी आर प्लस सिक्स माइनस वन एंड माइनस टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द पॉसिबल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज ए ए बी टू सी ए बी सी टू ए बी फोर सी ए बी सी फोर। ठीक है ना, होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, यह क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई जी पांच छोटी छोटी एप्लीकेशंस, पांच छोटी छोटी एप्लीकेशंस जिनका हम लोगों को यूज करना था। अब मैं आपको बताने लगा हूं छठी एप्लीकेशन जो बड़ी मेजर एप्लीकेशन, छठी एप्लीकेशन जो बड़ी मेजर एप्लीकेशन है उसको ध्यान से समझिएगा। छठी एप्लीकेशन जो बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, उसको बड़े किससे समझिएगा, ध्यान से। कैसे समझेंगे ध्यान से, है टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी कंपाउंड इन रेडॉक्स रिएक्शन। टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी कंपाउंड इन रेडॉक्स रिएक्शन, किसी रेडॉक्स रिएक्शन में किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, सर मोलर मास तो सुना है, इक्विवेलेंट मास क्या बला होती है, कैसे निकलती है, क्या कहानी है इक्विवेलेंट मास की, प्लीज हमें बताइए क्या कहानी है इक्विवेलेंट मास की, प्लीज हमें बताइए। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास बच्चों, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट होता है मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या बला होती है, ये कहां से आ गई 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या कहानी है, ये तुम 12th में सीखो। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहां से पैदा हुआ, इसकी क्या कहानी है, कहां से आ गया, है ना, ये सारी बातें तुम्हें 12th में बताई जाएंगी। यहां तुम्हें केवल इतना समझना है कि मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं या इक्विवेलेंट मास कहते हैं। और इक्विवेलेंट मास निकाला कैसे जाता है बेटा, इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है बेटा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर यह निकाला जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है बेटा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल यह आ गया कि वैलेंसी फैक्टर क्या चीज होती है। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होते हैं आपके केमिस्ट्री में, चार तरह के वैलेंसी फैक्टर हैं, केमिस्ट्री में चार तरह के वैलेंसी फैक्टर हैं, एसिड के, बेस के, सॉल्ट के और रेडॉक्स के। ठीक है ना, एसिड के, बेस के, सॉल्ट के और रेडॉक्स के, ये वाले तीनों आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखने को मिलेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट और रेडॉक्स के, ये आप सीखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। आपको जो यहां सीखना है वो सीखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपको सीखना है यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन का फैक्टर निकालना। ठीक है,
चैप्टर का नाम रेडॉक्स रिएक्शन है, तो व्हाट यू विल लर्न हियर इज यू विल लर्न टू फाइंड फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, एफ रेडॉक्स। एफ रेडॉक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल ने, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल ने, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए, जितने इलेक्ट्रॉन लिए और जितने या छोड़े, एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लिए या छोड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैक्टर, रेडॉक्स का फैक्टर। अब जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, तो बट ऑब्वियस है कि या तो ऑक्सीडेशन होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ तो ऐसे केस में जो रेडॉक्स रिएक्शन है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जब चेंज होगा तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में जो भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसे हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब सवाल ये आया कि निकालते कैसे, सवाल ये आया कि निकालते कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लेता हूं Cr2O7 2- से Cr+3, ये रिएक्शन लिए और मैंने आपसे कहा आपको Cr2O7 2- का फैक्टर निकालना है। Cr2O7 2- का क्या निकालना है? फैक्टर निकालना। तो अब अगर आप इसमें क्रोमियम की स्टेट निकालेंगे, क्रोमियम +6 में होगा, कल भी हम निकाल चुके हैं क्रोमियम की स्टेट, इसमें निकालेंगे क्रोमियम होगा +6 में, है ना। इक्वेशन बना लो 2x 7 × -2 = -14, तो क्रोमियम इसमें होगा +6 में, यहां पर जा रहा है क्रोमियम +3 में, तो फैक्टर होगा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में होने वाला ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज, तो फैक्टर होगा 3 × 2 6 3 × 2। क्यों? ये एक क्रोमियम के एटम पे दो का चेंज हुआ, एटम है कितने? दो। एटम है कितने? दो। तो आपने बैलेंस किया तो 3 × 2 6 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जहां पर आपको बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं रेट्रिक। रेट्रिक क्या होती है? रेट्रिक होती है मेरी ट्रिक जिससे आप आंसर निकाल लेंगे फटाफट। एफ बराबर mod A x - y, बस ये ट्रिक आपको लगानी है। पहली बात तो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली बात तो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा और mod A x - y ये ट्रिक आप लगाएंगे। यहां पर mod A, यहां पर चीजों का क्या क्या मतलब है? A क्या है? A है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट। एक्स क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट। और वाई क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। अब इसमें रिएक्टेंट क्या है? इसमें रिएक्टेंट क्या है? यहां थोड़ी सी कहानी है जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं उसका नाम रिएक्टेंट है, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं उसका नाम क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है ना। और ये कौन सा है? सामने वाला। सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है?
जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसका नाम सेंट्रल एटम है, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं उसका नाम रिएक्टेंट है। और इस ट्रिक में आपको केवल उसी को देखना है जिसके लिए आप चेंज निकाल रहे हैं, मतलब जिसके लिए आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं केवल उसी से मतलब है, सामने वाले से मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, सामने वाले से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी वाले केस में देखिए, अब ट्रिक लगाना देखिए कैसे देखेंगे ट्रिक। Cr2O7 2 माइनस, तो सिंपली लिख के दे दिया उसने Cr+3। कह रहा है इसका फैक्टर निकालो, कह रहा है इसका क्या निकालो फैक्टर, कह रहा है क्या निकालो फैक्टर निकालो। +6 में, ये +3 में, ए क्रोमियम के दो एटम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है तो क्रोमियम के एटम है दो, एक्स माइनस वाई एफ आ गया 6। ना बैलेंस करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, सीधे सीधे निकाल दिया। ना बैलेंस करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, सीधे सीधे निकाल दिया। अब देखो एफ निकालते कैसे, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इन डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन के फैक्टर निकालना, अलग अलग टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन के फैक्टर निकालना। जैसे जैसे केस वन, इफ ओनली वन एटम is getting oxidized or reduced per molecule, अगर एक मॉलिक्यूल में केवल एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा हो, केवल ऑक्सीडाइज हो रहा हो एक एटम, या केवल एक ही एटम रिड्यूस हो रहा हो, या केवल एक ही एटम रिड्यूस हो रहा हो, तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालना सिखाया मैंने, जैसे MnO4 माइनस से Mn+2। अब इसमें केवल मैंगनीज है जो +7 से +2 जा रहा है, तो मैं MnO4 माइनस का फैक्टर निकालना है, तो वो रिएक्टेंट बन गया, सेंट्रल एटम बन गया मैंगनीज, मैंगनीज के एटम एक ए आ गया इसमें ए, X7Y2 फैक्टर आ गया 5। जिसका चेंज, जिसका फैक्टर निकालना है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर x और सामने वाले में ऑक्सीडेशन नंबर y, सामने वाले में ऑक्सीडेशन नंबर y, ठीक है। शर्त यही है बस कि पूरे मॉलिक्यूल में से केवल एक ही एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। H2C2O4 में निकालोगे +3 आएगी, कल निकलवाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 आएगी। फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाले क्या, बोलो ना, बोलो ना, बोलो 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 ना, फैक्टर निकाले। कार्बन के कितने एटम होंगे, दो। CO2 को क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें फैक्टर इसका निकालना है। ये ट्रिक दोनों तरफ से चलती है, जिधर से फैक्टर निकालोगे उधर से निकल आएगा। जैसे मान लो तुम्हें फैक्टर निकालना है H2C2O4 का, कार्बन के एटम दो, X3Y4 फैक्टर आ गया दो। अब तुम्हें मान लो निकालना है CO2 का, तो CO2 का फैक्टर निकालो एक वन, CO2 का फैक्टर निकालोगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से चलोगे तो कार्बन का एक ही एटम होगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। थैंक यू भैया,
दूसरा केस, इफ मोर देन वन एटम इज पार्टिसिपेटिंग इन रेडॉक्स रिएक्शन, एक से ज्यादा एटम अगर पार्टिसिपेट करे तब क्या हो, एक से ज्यादा एटम अगर पार्टिसिपेट करे तब क्या होगा। इसके दो केस बनते हैं, इस केस टू के दो केस बनते हैं। केस नंबर एक, जैसे Fe2O4 है, ये रिएक्शन पे ध्यान दो, पेरस ऑक्सलेट, पेरस ऑक्सलेट, ठीक है ना। इसके अंदर अभी तुमने निकाली कार्बन की +3, H2C2O4 में निकाल के आए हो ना +3, इसमें आयरन की होती है +2। अब देखो आयरन भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये +4 में जा रहा है। कार्बन भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब आयरन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा दोनों का जोड़, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। दोनों अगर एक साथ काम करें, दोनों ऑक्सीडाइज हो जोड़ दो, रिड्यूस हो जोड़ दो, दोनों अगर एक साथ काम करें तो फैक्टर होता है F1+F2, फैक्टर होता है F1+F2। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन का फैक्टर निकाले, एक एटम है, एक एटम है, +2 से 3 जा रहा है, 1। कार्बन का फैक्टर निकाले, कार्बन के दो एटम है, 3 2। तो अगर मैं Fe2O4 का पूरा फैक्टर निकालूंगा तो वो होगा आयरन का फैक्टर प्लस कार्बन का फैक्टर, 1+2=3, 1+2=3, इस तरह से, ठीक है ना, 1+2=3, क्लियर। तो क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, तो 1+2=3। इसी में दूसरा केस बनता है बेटा इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स का, इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3 गिव्स, 2Al2O3 गिव्स 2Al+3O2, ये है। अब इसमें देखो एल्यूमिनियम की स्टेट कल बताई थी +3 होती है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, -2 होगा। यहां पर एल्यूमिनियम जीरो में आ गया, ऑक्सीजन भी जीरो में आ गई, दोनों के जीरो जीरो हो गया। लेकिन अब फर्क क्या पड़ गया, एल्यूमिनियम +3 से जीरो आया तो एल्यूमिनियम हो गया रिड्यूस, ऑक्सीजन -2 से जीरो आई है, ये हो गई ऑक्सीडाइज। लफड़ा यह है कि एक रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। अब लेकिन ये गेम चल रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गेम, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो बेसिकली जो ऑक्सीजन ने निकाले वही तो एल्यूमिनियम ने ले लिए भाई। बेसिकली इसको ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो कोई और लेने वाला था नहीं, क्योंकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो दिख नहीं रहा था, तो एल्यूमिनियम बोला ठीक है मैं ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। तो अब इस केस में फैक्टर आप जोड़ोगे नहीं, क्योंकि दोनों सेम काम नहीं कर रहे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए उतने ही वो लेगा, ये भी मजे की बात है। तो ऐसे केस में जो आपका फैक्टर होगा वो होगा या तो ऑक्सीडेशन का फैक्टर ले लो या रिडक्शन का फैक्टर ले लो, अगर इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का निकालो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 या 6, सर 3, क्यों, क्योंकि फैक्टर हम देखते हैं पर मॉलिक्यूल,
फैक्टर हम देखते हैं पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल देखने की वजह से फैक्टर निकालते समय वी डू नॉट कंसीडर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशियंट, इनसे मतलब नहीं होता। तीन एक्स माइनस वाई, छ रिडक्शन का फैक्टर निकाल लो, एल्यूमिनियम के आइटम है दो, थ्री माइनस जीरो सिक्स, तो फैक्टर कितना होगा सिक्स। इसका मतलब छह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छोड़े, वही छह इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने पकड़ लिए, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसी का एक एग्जांपल ये है, टू के सी एल ओ थ्री, टू के सी एल थ्री ओ टू प्लस फाइव माइनस टू माइनस वन जीरो। आप मुझे फैक्टर निकाल के बताएंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। आप मुझे फैक्टर निकाल के बताएंगे, ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है। केस थ्री, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बड़े खास तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है, और जिस एटम का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल P4 से H3PO3 प्लस PH3, फॉस्फोरस जीरो में बैठा है, H3PO3 में निकालोगे प्लस थ्री आएगी, थोड़ी देर पहले निकाल के बताई थी, PH3 में निकालोगे माइनस थ्री आएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। Br माइनस Br2 प्लस BrO3 माइनस, उल्टा लिख दिया, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, जीरो माइनस वन प्लस फाइव। ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन है, ब्रोमीन का ही रिडक्शन। और एग्जांपल दूं, H2O2, डिस्प्रोपोर्शनेशन तब होता है जब किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऐसी जगह पहुंच जाए, ऐसी स्टेट में पहुंच जाए जहां पर वो अनस्टेबल हो, माइनस वन से माइनस टू और जीरो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रही है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन के। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का फूफड़ अपॉन फू प्लस फड़। व्हाट इज फूफड़, फूफड़ इज दो टर्म्स, फू प्लस फड़, फू और फड़, ऑक्सीडेशन का फैक्टर इंटू रिडक्शन का फैक्टर अपॉन ऑक्सीडेशन का फैक्टर प्लस रिडक्शन का फैक्टर। मैं तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन लेके आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहली वाली ले लेते हैं, चलिए इसका फैक्टर निकालता हूं आपके लिए, ऑक्सीडेशन का फैक्टर, ऑक्सीडेशन का फैक्टर कितने एटम्स है बेटा, चार, जीरो से जा रहे हैं प्लस थ्री में, बारह। रिडक्शन का फैक्टर, एटम्स फिर से चार है, जीरो से जा रहे हैं माइनस थ्री में, बारह, है ना। तो यहां से एफ कितना आ जाएगा, बारह इंटू बारह अपॉन बारह प्लस बारह, 144 अपॉन 24, 6, 144 अपॉन 24, 6। इनका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा निकल के वो 6 आएगा, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर जो आएगा निकल के वो 6 आए। ये दोनों आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है ना। तो ये हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। 6 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ ली, 6 एप्लीकेशन हम लोगों ने कर ली ऑक्सीडेशन नंबर की, 6 एप्लीकेशन मैंने आपको कराई। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आइए कुछ क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और उन क्वेश्चन को करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया, ठीक है, देखते हैं हमें कितना समझ में आया। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, कंसेप्चुअल्स बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल्स आते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, बेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ गिवन कंपाउंड्स इज HIO3, HIO2, HIO4 और HI। इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको निकालना है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। निकाले बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाले, आइए निकालते हैं। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, क्या बताया था मैंने, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम देखनी है, जिसके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना बेटर होगा। -1 इसका तो गेम ही नहीं है, +7, +3, +5 सबसे ज्यादा किस पे आ रही है बच्चों, +5 इस पे आ रही है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल खत्म हो गया। और ले विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कांट डिस्प्रोपोर्शनेट, इनमें से कौन सा आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता, Cl-, Cl2-, Cl3-, Cl4-, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। डिस्प्रोपोर्शनेशन उसका होगा जो ऑक्सीडाइज भी हो सके और रिड्यूस भी हो सके, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सके और ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी सके। इन सारे आयनों में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इन सारे आयनों में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, +1, +3, +5, +7, क्लोरीन 17 ग्रुप की औलाद है, तो 17-18 से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जाएगी -1 से +7, जो पहले से +7 में बैठा है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता ना, जो पहले से +7 में बैठा है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता ना भाई, तो क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ए ए एच टू ओ, बी एच टू ओ टू, सी एच एन ओ थ्री और डी एच टू एस ओ फोर, एच टू एस ओ फोर। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मौजूद है उसे हम लोग सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट कहते हैं, और अगर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम कहते हैं। हाइड्रोजन का नंबर सबसे एंड में आता है ना, हाइड्रोजन का नंबर सबसे एंड में आता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग सेंट्रल एटम नहीं कहते, ऑक्सीजन को कहते हैं। जैसे H2O और H2O2 में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहां नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यहां सल्फर सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन और सल्फर 16वें ग्रुप की औलाद है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2, 2, +6 गिर सकती है ना। नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप की औलाद है, 15वें ग्रुप की औलाद है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप की औलाद है, 15वें ग्रुप की औलाद है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 15-18 से +5 तक जा सकती है।
अब अगर इंटरमीडिएट अगर आपको बनना है बोथ, व्हाट बोथ क्या, अगर आपको बनना है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो सेंट्रल एटम को अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, मतलब ना मिनिमा पर ना मैक्सिमा पर, मिनिमा और मैक्सिमा के कहीं बीच में। तो देखो इसमें ये माइनस टू में मिनिमा पर बैठा है, प्लस फाइव मैक्सिमा, प्लस सिक्स मैक्सिमा, माइनस वन ये बीच में, तो ये माइनस वन से इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, देखो जा भी रहा है, ये देखो जा भी रहा है, कहां गया बे, अभी तो भेजा था थोड़ी देर पहले से, ये रहा है ना। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। आइए H2O2 पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन और लेते हैं, H2O2 पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन और लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इन द रिएक्शन, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इन द रिएक्शन, H2O2 से H2O, H2O2 से H2O2 और H2O2 से H2O plus O2 are respectively, are respectively option 1 17 34 17 34 17 17 17 17 34 चौतीस चौतीस सत्रह यहां पर H2O2 देखो माइनस वन से कहां जा रहा है, माइनस टू में, माइनस वन से जीरो में और माइनस वन से माइनस टू में भी जीरो में। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ए केस में क्या है, H2O2 से H2O जा रहे हैं, फैक्टर निकालें माइनस वन से माइनस टू, एटम है दो माइनस वन से माइनस टू जा रहे हैं, माइनस वन माइनस माइनस टू, फैक्टर आ गया दो, इक्विवेलेंट मास कितना होगा m बाय टू, मोलर मास होता है 34 17। बी पार्ट में देखो H2O2 से जा रहे हैं O2, फैक्टर दो एटम है माइनस वन से जीरो में जा रहे हैं दो, अब तीसरी रिएक्शन में इन दोनों को जोड़ा है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में कन्वर्ट हो गई है, ऊपर वाली रिडक्शन की है नीचे वाली ऑक्सीडेशन की है, फोफड़ इंटू फोफड़ प्लस दो इंटू दो प्लस दो एक 34। भाई जो नीचे वाली रिएक्शन लिखी है वो ऊपर वाली दोनों को जोड़ के जो लिखी है, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इनकी मदद से डिस्प्रोपोर्शनेशन का निकाल लिया, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, आंसर आ गया 17 17 34 क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस जो है हमारे वो बन जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स बता देता हूं,
जो हमारे काम आएंगे, सम इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स जो हमारे काम आएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स बता देता हूं जो हमारे काम आएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4, KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, और ये तीनों मीडियम में रिएक्शन करता है। रिएक्शन चाहे किसी भी मीडियम की हो, तीनों में रिएक्शन करता है ये। आप किसी भी मीडियम में रिएक्शन लेके चल रहे हो, तीनों मीडियम्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। एसिडिक मीडियम में जाता है KMnO4 से Mn+2 में, +7 से +2 में जा रहे हैं, फैक्टर निकालोगे, निकाल के देख लेना 5 आएगा, ठीक है। रिएक्शन निकाल के देख लेना, और वरना मुझ पे भरोसा रखो, वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम ये जाता है MnO2 में +4, इसका फैक्टर होता है 3, इसका फैक्टर होता है 3, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होता है 3, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में ये बनाता है K2MnO4 +6, इसका फैक्टर होता है 1। ये मैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस लूंगा, वहां पर हमें ये यूज आएंगे, इसलिए बता रहा हूं अभी। K2Cr2O7 Cr+6 में है, ये जाता है Cr+3 में, लेकिन ये रिएक्शन केवल एसिडिक मीडियम में होती है, फैक्टर इसका 6 होता है। फैक्टर इसका क्या होता है? 6 होता है। ऑक्सलेट आयन CO2 बनाता है, दो बार निकलवा चुका हूं, इसका फैक्टर 2 होता है, ठीक है। आयरन +3 से +2 जाता है, या +2 से +3 जाता है, दोनों ही केसों में इसका फैक्टर 1 होता है। आयरन का फैक्टर केवल 1 होता है। ऐसे ही कॉपर, कॉपर से कॉपर +2 जाता है, या कॉपर +2 से कॉपर आता है, फैक्टर 2 होता है। निकाल के देख सकते हो, ट्रिक से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। Na2S2O3 और S2O3 2- ये जाता है, ये ऑक्सीडाइज होता है Na2S4O6 और S4O6 2- में। यहां सल्फर +2 में है, यहां सल्फर +2.5 में है। अगर मैं S2O3 2- का फैक्टर निकालूंगा तो वो निकल के आएगा कितना, मॉड ऑफ, दो एटम है, 2-2.5, 1, इसका फैक्टर 1 होता है। Na2S2O3 का हाइपो का फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट I माइनस एसिडिक मीडियम में लेंगे तो I2 बनाएगा, 0 में जाएगा। फैक्टर निकालिए, आई माइनस का निकालना है, एटम 1 है, एक्स है -1, ये है 0, फैक्टर आ गया 1, ठीक है। और बेसिक मीडियम में ये जाता है IO3- में, फैक्टर कितना होगा इसका, IO3- +5 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, IO3 में 1-1-5, 6, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद रखने हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना, और आपको पढ़ाऊंगा रेडॉक्स टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से
सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में। और कल का लेक्चर जो होगा ये रेडॉक्स का आखिरी लेक्चर होगा, तो लास्ट लेक्चर में कल इसे खत्म करेंगे इस चैप्टर, ठीक है। चलिए ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कल मिलते हैं आपसे, सायोनारा।